यह तमिलनाडु की कहानी है। 1870 के दशक के मध्य में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी बहन वेंकट चिन्नैया राव को फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी। हालांकि 1870 में वह बूढ़ी लेडी ने अपनी जमीन जायदाद अपनी बेटी रमैया को उपहार में देने का फैसला किया। तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस मामले पर चर्चा करने वाली हूं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं पुराने और ऐतिहासिक फैसलों में से एक यानी चिनैया वर्सेस रमैया केस की कहानी सुनाऊंगी। इस मुकदमे ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत महत्वपूर्ण कानून का निर्णय किया। तो अपनी कहानी में वापस आते हुए, उनकी इच्छा के अनुसार 1870 में बूढ़ी लेडी ने अपनी संपत्ति अपनी बेटी रमैया को उपहार में दे दी। लेकिन उपहार के माध्यम से संपत्ति के ट्रांसफर के साथ एक शर्त भी थी, और शर्त ये थी कि वह उनकी बहन चिनैया को फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में सालाना 653 रुपए देती रहेंगी। शुरुआत में रमैया उक्त राशि चिनैया को देती रही, लेकिन उसकी माता की मृत्यु के बाद रमैया ने राशि देने से इनकार कर दिया, और इस इनकार के कारण चिनैया ने रमैया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसी तरह मामला कोर्ट तक पहुंचा और अपील के जरिए निचली अदालत से होते हुए मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब मद्रास हाई कोर्ट के पास निर्णय लेने के लिए दो इशू थे। पहला इशू ये था कि क्या प्लेंटिफ जो प्रॉमिस के कंसिडरेशन के लिए अजनबी थी, कॉन्ट्रैक्ट में वादा की गई राशि के लिए डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा ला सकती थी, जहां ऐसे वादे के लिए डिफेंडेंट की माँ प्लेंटिफ की बहन द्वारा कंसिडरेशन फिक्स किया गया था। इसका मतलब प्लेंटिफ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अजनबी थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट और उसकी बूढ़ी माँ के बीच की गई थी। तो अब उसकी माँ नहीं रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कितनी वैल्यू बचा, और प्लेंटिफ को इस केस में एक अजनबी होने के नाते कोर्ट में केस फाइल करने का कितना हक था। और दूसरी बात या दूसरा इश्यू ये था कि क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भारतीय संदर्भ में लागू होता है। इसी तरह केस को हल करने के लिए अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब डिफेंडेंट की मां ने अपनी संपत्ति अपनी बेटी को उपहार में दे दी, तो उसकी मां के लिए अपीलकर्ता जो इस मामले में मां की बहन थी को सालाना 653 रुपए की एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए डिफेंडेंट का समझौता था। इसके अलावा वकील ने ये भी दावा किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत अपीलकर्ता को डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दायर करने और कॉन्ट्रैक्ट में डिफेंडेंट द्वारा साइन और वादा की गई धनराशि की वसूल करने का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर डिफेंडेंट के वकील ने तर्क दिया कि जिस संपत्ति का यह उल्लेख किया जा रहा है वह उसकी मां से उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी, और इस प्रकार यह डिफेंडेंट को अपनी मौसी को कंसिडरेशन के रूप में कोई राशि या वार्षिकी का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है। सेकेंडली, वकील ने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है वह वास्तव में डिफेंडेंट और उसकी माँ के बीच साइन हुआ था, इसीलिए अपीलकर्ता को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, विशेषकर वृद्ध महिला अर्थात डिफेंडिंग की मां की मृत्यु के बाद। सबसे महत्वपूर्ण,
वकील ने आर्ग्यू किया कि भले ही अपीलकर्ता और डिफेंडेंट के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पर डिफेंडेंट को उसकी मौसी से कंसिडरेशन के रूप में कुछ भी नहीं मिला, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के तहत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है। इसके अलावा उपहार में दी गई संपत्ति को वैलिड कंसिडरेशन के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अपीलकर्ता संपत्ति के लिए पूरी तरह से एक अजनबी थी। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या चिन्नैया को 653 रुपए की उपरोक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए? आइए देखते हैं कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वहां दो न्यायाधीश थे, इसीलिए हम दोनों न्यायाधीशों के डिसीजन को अलग अलग समझेंगे। आइए सबसे पहले जस्टिस इंस के फैसले को समझें। जस्टिस इंस ने अपीलकर्ता चिन्नैया के पक्ष में अपना फैसला देते हुए तर्क दिया कि जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2(d) में बताया गया है कि कोई तीसरा पक्ष बाधा करने वाला या किसी अन्य व्यक्ति शब्दों का संदर्भ देकर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से कंसिडरेशन को शिफ्ट कर सकता है जो उस कंसिडरेशन में पूरी तरह अपरिचित है। इस प्रकार भले ही अपीलकर्ता उपहार में दी गई संपत्ति से पूरी तरह से परिचित नहीं थी और यह उसके द्वारा डिफेंडेंट को उपहार में भी नहीं दिया गया था, तब भी इसे एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि संपत्ति उस बूढ़ी महिला द्वारा उसकी बहन चिन्नैया की ओर से कंसिडरेशन के रूप में उपहार दी गई थी। इसके अलावा जस्टिस किंडर्सले ने, जिन्होंने अपीलकर्ता चिन्नैया के पक्ष में अपना निर्णय दिया और उन्होंने तर्क दिया कि इसे इक्विटेबल एग्रीमेंट के कंपोनेंट के रूप में माना जा सकता है, इसीलिए डिफेंडेंट द्वारा अपीलकर्ता को सालाना 653 रुपए का भुगतान करने का वादा और बाद में उसकी मां की मृत्यु के बाद ऐसा करने से इनकार करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और यह अपीलकर्ता को डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार देता है और इस तरह से कोर्ट की मदद से वादा की गई राशि प्राप्त करने का हक भी था। इस प्रकार ऑनरेबल जजेस ने माना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजनबी किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर सकता जो कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्ष है, हालांकि कंसिडरेशन के लिए एक अजनबी मुकदमा दायर कर सकता है यदि वह कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी है और वह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में वादा की गई राशि की वसूली भी कर सकता है। और यहाँ स्थापित किया गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के माध्यम से प्रिविटी टू कंसिडरेशन की धारणा भारतीय संदर्भ में लागू नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अजनबी भी एक वैलिड कंसिडरेशन प्रदान कर सकता है। इसी तरह चिन्नैया वर्सेस रमैया का मामला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला है। इस मामले में भारतीय संदर्भ में भी प्रिविटी टू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेबिलिटी को स्पष्ट कर दिया है। आशा करती हूँ कि मैंने चिन्नैया वर्सेस रमैया केस को अच्छे से समझा पाई और अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और एफिशिएंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जल्दी आपके सामने एक फिर से एक नए केस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।